और एक बड़ी खबर, लाल सागर में नहीं रुक रहे हैं हूती हमले। हूती विद्रोहियों ने ब्रिटिश शिप को निशाना बनाया है। ब्रिटिश शिप पर मिसाइलें दागी गई है। हमले से ब्रिटिश तेल टैंकर में आग लग गई है। मदद के लिए भारतीय नौसेना पहुंच चुकी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में एक ब्रिटिश तेल टैंकर पर मिसाइल हमला किया है, जिससे उसमें आग लग गई है। लंबे समय से लाल सागर में संकटपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यमन के हूती विद्रोहियों की एक तरफ से एक बार फिर जोरदार हमला हुआ है। ब्रिटिश पोत हमले का शिकार हुआ है। मदद की अपील मिलते ही भारतीय नौसेना ने तुरंत गाइडेड मिसाइल से लैस INS विशाखापत्तनम को भेज दिया है। Myself is Captain Abhilash Rawat, the master of Marlin Gondam. Half of the world knows that yesterday we were struck by a missile in Gulf of Aden. Due to this missile attack, the missile was on fire, and it was not a small fire, it was a huge fire. It's a loaded tanker, and I hope people know that what happens if a tanker goes on fire, a loaded tanker. So I really thank Indian warship INS Vishakhapatnam. They have done a really tremendous job. Myself is Captain Abhilash Rawat, the master of Marlin Gondam. Half of the world knows that.